हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर नायक एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड में सारा सुर्ख हो गया है, लाल हो गया है। तो सर्दी बहुत हुई है, इसीलिए आप देख सकते हैं फेरन लगा के है, टोपी लगा के है। ये जो है विंटर प्रोटेक्शन कहलाता है। सर्दियों से बचने के लिए ये सब लिबास जो है पहनना लाजमी है आज ऐसे मौसम में। तो एक और नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ अपने तमाम उन सामाइंस को जो चैनल पे नए हैं, जो पहले से मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको, और नए जो चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को फॉलो और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नए तमाम आने वाले अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जो होने जा रहा है शीप फार्मिंग के ऊपर। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट है कि आप, बहुत सारे कमेंट जो पढ़े मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पेज पे, कि शीप फार्मिंग के रिलेटेड ये हमें थोड़ा बता दीजिए कि इसमें जो है प्रॉफिट कितना होता है, साल का कितना खर्चा है, कितना इसमें कमाना होता है। तो इन सब बातों पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ जितना मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके मुताबिक आप लोगों को सेटिस्फाई और मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। तो हम शुरू करते हैं इस बात को। पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए इंसान जो है पहले खुद सेल्फ मोटिवेट होना ज़रूरी है। हर किसी चीज़ में पहले तकलीफ़ें आती हैं, पहले परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। उन परेशानियों को झेल कर, उन परेशानियों को फेस करके इंसान जब आगे बढ़ता है तो मंजिल अपने आप नज़दीक आ जाती है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट्स क्या है, मैं एक शीप का बता देता हूँ ईयरली उस पर क्या खर्चा है, क्या उसका इनकम सोर्स कितने हैं उससे, और उस पर इन्वेस्ट कितना किया जा सकता है या किया जाता है। एक शीप का खर्चा जो है वो साल का तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये है। उसमें ग्रेजिंग आती है, ग्रेजिंग के 8 महीने रहते हैं और उस टाइम शीप पे कोई खर्चा नहीं रहता है। ग्रेजिंग के दौरान जो है 8 महीने बाहर से वो खुद से खा के आती है और उस पर कोई खर्चा नहीं है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा अगर कोई मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो नॉर्मल होता है, उतना इंसान कर लेता है, वो ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। 100-200 रुपये का खर्चा आएगा, वो ज़्यादा नहीं होता है। मेन इन्वेस्ट इस पर जो है वो सर्दियों के टाइम में है, फीडिंग जो है होती है स्टॉल फीडिंग, उस पीरियड में जो है इस पर खर्चा लगता है। और ख़र्चा कितना लगता है, वही 3 से 4 हज़ार जो मैंने पहले बोला। अगर हद से ज़्यादा कोई फुल डाइट देगा, घास वास लेके सारा कुछ, फीड शीड कशु वशु, ये जो मक्की शक्की होती है, सारा कुछ मिला के 4 हज़ार रुपये एक भेड़ पे खर्चा है। और इनकम कितनी है एक भेड़ से, वो डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट जो है, उसका बच्चा जो है वो किस टाइप का है। अगर हैवी प्रोडक्ट है, अगर हैवी बच्चा है, तो साल के बाद उसका जो है वेट तकरीबन 60 केजी तक चला जाएगा, अगर अच्छी डाइटिंग उसको की जाएगी, अगर अच्छा उसको केयर अप किया जाएगा, केयर की जाएगी तो 60 केजी तक हो जाएगा वो। मान के चलो 60 केजी अगर हुआ वो, तो वो हो गए आपके 18 हज़ार रुपये शीप के, साल के। और ये भी याद रखें कि शीप जो है वो साल में 2 बच्चे देती है, 5 महीने के बाद बच्चा होता है शीप का, और 16 महीने में 2 बच्चे होते हैं। और मैं एक बच्चे का बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बच्चा जो है वो साल के बाद जब बेचता है इंसान, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 17 से 18 हज़ार रुपये के दरमियान में जाता है वो। तो अगर मान के चलो 18 हज़ार रुपये का गया, तो शीप पे जो आपका इन्वेस्ट हुआ है वो 3 से 4 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये आप मान के चलो, 4 हज़ार रुपये आपका इन्वेस्ट हो गया, 5 हज़ार रखो कि आपका इन्वेस्ट हो गया, बाकी जो 18 में अगर आप 5 निकाल देते हैं तो 13 हज़ार आप लोगों के एक शीप के बचते हैं। बाद में जो दूसरा बच्चा उसका होता है वो साल के बाद, उसका मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, वो जो बच्चा है वो स्पेयर रहता है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। तो साल के बाद जो है आपका 12 से 13 हज़ार रुपये एक शीप का बचता है। और बाद में आप लोगों के पास लाइव स्टॉक कितना है या कितना रखना चाहेगा आदमी, उसको उसी हिसाब से जो आगे आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को ये 2 बच्चे दिखा रहा हूँ। ये जो है इनकी एज
5 से 6 महीने है और वेट अप्रॉक्सीमेट इनका जो है 40 के आसपास है, 38-37 दोनों का, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल के बाद इसी हिसाब से अगर इनकी केयर करें इंसान तो दुगना नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आगे आगे जो वेट स्लोली बढ़ता है, मगर तब भी 60-65 kg के आसपास ये चले जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये दो है, बीच वाले दो जो है ये 6 महीने का ये और 6 महीने का ये, दोनों, एक का है 38 और एक का है 37 वेट। इनकी दोनों मदर्स भी साथ है, ये वाले है पास में है इसकी और ये वाली है इसकी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इसकी टेल भी देख सकते हैं आप कितनी लंबी है, इसकी मदर की भी टेल बहुत लंबी है। तो इसी हिसाब से अगर इंसान इन पे मेहनत करे, जितनी ज़्यादा इंसान इन पे मेहनत करे वैसा इंसान रिज़ल्ट ले लेता है इनसे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।